अब जाके रेल मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जो रेल दुर्घटना हुई है उसके लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो सिग्नल की इंटरलॉकिंग सिस्टम है। मैं रेल मंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर यही वजह है एक्सीडेंट की तो आपको तो 9 फरवरी 2023 को आपके एक सीनियर अधिकारी प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर ने लेटर लिख के दिया था और उन्होंने अपने उस लेटर में लिखा है क्लियरली कि आपकी जो इंटरलॉकिंग सिस्टम सिग्नल की है उसमें बहुत गड़बड़ी है, उसमें दिक्कतें आ रही है। इसके आगे जाके उन्होंने कंक्लूजन में जो कुछ लाइनें लिखी है मंत्री जी, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि अब इफ द सिग्नल मेंटेनेंस सिस्टम इज नॉट मॉनिटर्ड एंड करेक्टेड इमीडिएटली देन इट वुड लीड टू हैपनिंग ऑफ सच ए रीअकरेंस एंड सीरियस एक्सीडेंट्स। उन्होंने खत में लिखा कि ये सिग्नल की मेंटेनेंस सिस्टम है, इसको अगर ठीक नहीं किया गया, इसको सुधारा नहीं गया तो आने वाले वक्त में बहुत ही गमख्वार, बहुत ही सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है। इन्होंने आगे ये भी लिख के दिया है आपको कि इट इज हाई टाइम, ये बहुत सही वक्त है दैट सम सीरियस वर्क इज डन ऑन द फ्रंट ऑफ एंश्योर दैट प्रेशियस लाइव्स एंड सेफ्टी ऑफ ट्रैवलिंग पब्लिक एंड रेलवेज मैन आर नॉट पुट इन द रिस्क। वो कहते हैं कि ये बहुत ही गंभीर वक्त है और अगर इसी वक्त पे आपने सीरियस काम नहीं किया, आपने स्टेप्स नहीं लिए, आपने इसको करेक्ट नहीं किया तो बहुत ही कीमती जाने, प्रेशियस लाइफ चली जाएगी और इसको रिस्क पे आप रख रहे हो। इस पूरे लेटर के अंदर उन्होंने पूरा जांच करके ये रिपोर्ट दी है, पर फिर भी सरकार ने, रेल मंत्रालय ने जो लिफाफोपी की, जो गलतियां की, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। आज आपने स्वीकार किया है कि सिग्नल की इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से हुआ है और सिग्नल में और इंटरलॉकिंग